जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आयुष राव और आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं मान्यवर साहब की लिखी किताब चमचा युग का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर का अभय उदय। इससे पहले आप लोगों ने पहला चैप्टर सुना था जिसका नाम था प्रथम प्रयास। यह चैप्टर आप लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया। उतना ही प्यार आप लोग इस दूसरे चैप्टर को दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के प्यार का भूखा हूं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने बहुजन समाज का इतिहास बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली शताब्दी के इस संधि काल में, जब अछूत लोग संपूर्ण भारत में छुआछूत एवं अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े हुए, तो कांग्रेस को सन 1917 में अछूतों के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अछूतों में जागरूकता के साथ ही उनमें गुलामी के विरुद्ध विद्रोह की इच्छा बलवती होती जा रही थी। भारत में हर जगह वे अधिक से अधिक सक्रिय होते जा रहे थे। समय गुजरने के साथ साथ दलित वर्गों और उच्च जातीय हिंदुओं के बीच विरोध भी तीव्रता से बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और लगभग तुरंत ही कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही महात्मा गांधी का काम बहुत आसान हो गया। अभी तक कांग्रेस लगभग ब्राह्मणों की मुट्ठी में थी, किंतु महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव के साथ ब्राह्मण बनिया जाति जागीर बनकर रह गई। दिमाग और दौलत से यह एक मजबूत शक्ति बन गई। अछूतों के रवैये और विद्रोह तेवर देखकर उन्होंने अछूतों को तरह तरह की सलाह देना शुरू कर दिया। अपने मुख्य पत्र यंग इंडिया के 20 अक्टूबर 1920 के अंक में उन्होंने अछूतों को, जिनको उस समय उन्होंने पंचम नाम दिया था, निम्न सलाह दी। अंत में आत्म सहायता और आत्मनिर्भरता ही शेष रह जाती है, इसलिए जब तक विशेष कठिनाइयां बरकरार रखी जाती हैं, तब तक पंचम हिंदुओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के द्वारा अन्य हिंदुओं से अपने सभी संपर्क और संबंध रोक सकते हैं। किंतु इसका आशय है संगठित बुद्धिमान प्रयास, और जहां तक मैं देख सकता हूं, पंचमों के बीच मुझे कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता है जो असहयोग के द्वारा विजय दिलाने में उनका नेतृत्व कर सके। हाँ, ये सच है, अछूतों के बीच इतना बुद्धिमान नेता महात्मा गांधी नहीं देख सके, किंतु उसी अवधि के दौरान अछूतों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए साहूजी महाराज कोल्हापुर नरेश ने डॉक्टर अंबेडकर का परिचय उनके नेता और मसीहा के रूप में कराया। साहू महाराज ने राय व्यक्त की कि डॉक्टर अंबेडकर उनकी युगों पुरानी गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे तथा उनके लिए मिशन और आंदोलन खड़ा करेंगे। इसलिए उन्होंने अछूतों को नेता एवं मसीहा के रूप में डॉक्टर अंबेडकर से सहायता और मार्गदर्शन की आशा करते समय डॉक्टर अंबेडकर को भी सहयोग पूर्ण समर्थन देने की सलाह दी। आज पिछली बातों का स्मरण करने पर हम सुरक्षित रूप से यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी अछूतों की शक्ति के विकास से अनभिज्ञ थे, जबकि साहू महाराज, जो स्वयं एक गैर ब्राह्मण नेता थे, न सिर्फ इससे वाकिफ थे बल्कि आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी करने की दूरदृष्टि भी रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर तो अछूतों के नेता के रूप में पहले ही उभर चुके थे और आगामी घटनाओं और क्रियाकलापों के लिए वे उनको संगठित करने में लगे हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी गांधी की तरह एक मुखपत्र मुक नायक को दलितों के हितों और गूंगे लोगों के नेतृत्व को मुखर करने के लिए प्रारंभ कर दिया। सन 1924 में उन्होंने दलित वर्ग इंस्टीट्यूट यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा प्रारंभ की। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष छेड़े और इन संघर्षों के द्वारा वे अछूतों के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो गए। और 1930-31 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को अछूतों के नेतृत्व की बुद्धि और योग्यता की परीक्षा परखकर स्वयं संतुष्ट होना था कि डॉक्टर अंबेडकर के रूपाकार में आवश्यक नेतृत्व पक्के तौर पर उभर चुका है। नेतृत्व की क्षमता और योग्यता की शेष कहानी, जो इस पुस्तक के लिए प्रासंगिक है, वह दो गोलमेज सम्मेलनों को सौंपे गए डॉक्टर अम्बेडकर के दो ज्ञापनों से वर्णित की जा सकती है। वे दोनों ज्ञापन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहला ज्ञापन 12 नवंबर 1930 का है।
स्वशासी भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों के राजनैतिक अधिकारों के संरक्षण की एक योजना जो भारतीय गोलमेज सम्मेलन को सौंपी गई, स्वशासी भारत में बहुमत के शासन के अधीन रहने की सहमति के लिए दलित वर्गों की निम्न शर्तें होंगी। पहला, समान नागरिकता। दलित वर्ग वर्तमान वंशानुगत दास्ता की स्थिति में रहते हुए स्वयं को बहुमत के शासन के अधीन शासित होने की सहमति नहीं दे सकते हैं। बहुमत के शासन को स्थापना के पूर्व छुआछूत की व्यवस्था से उनकी मुक्ति एक वास्तविकता बनाया जाना आवश्यक है। हमें बहुसंख्यकों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित वर्गों को स्वतंत्र नागरिक बनाना अति आवश्यक है और राज्य के अन्य नागरिकों के समान उन्हें भी नागरिकता के सभी अधिकारों का हक होना चाहिए। छुआछूत की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और नागरिकता की समानता पैदा करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि निम्न मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान का अंग बनाया जाएगा, जिसमें से पहला अधिकार है मौलिक अधिकार। भारतीय जनता कानून के समक्ष समान है और समान नागरिक अधिकारों की हकदार है। कोई अस्तित्वमान कानून, नियम, आदेश, रूढ़ी अथवा कानून की व्याख्या जिसके द्वारा किसी प्रकार का अर्थदंड अहित या निर्योग्यता अथवा कोई भेदभाव छुआछूत के आधार पर राज्य के किसी नागरिक के ऊपर थोपा जाता है, जिस दिन से ये संविधान लागू होगा उसी दिन से उसका प्रभाव समाप्त किया जाता है। उन छूटों और उन मुक्तियों को समाप्त करना जिनका उपभोग भारत सरकार अधिनियम की धारा 110 और 111 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी गण है और यूरोपीय ब्रिटिश प्रजा के मामले में जैसी स्थिति है उसी के समरूप अधिशासी कृत्य के लिए उनको उत्तरदायी बनाना। दूसरा, समान अधिकारों का स्वतंत्र उपभोग। दलित वर्गों के लिए समान अधिकारों की घोषणा की कोई उपयोगिता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दलित वर्गों को रूढ़िवादी समाज की संपूर्ण शक्ति का मुकाबला करना होगा। यदि वे समान नागरिक अधिकारों के इस्तेमाल का प्रयास करते हैं, इसलिए दलित वर्ग यह महसूस करते हैं कि यदि वे अधिकार पवित्र घोषणाएं मात्र नहीं हैं, बल्कि रोजाना की जिंदगी की वास्तविकताएं हैं, तो इस घोषित अधिकारों के उपभोग में होने वाले हस्तक्षेप से बचाव के लिए समुदाय दंड और सजा की व्यवस्था करनी होगी। और दलित वर्ग इसलिए प्रस्तावित करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में अपराधों, प्रक्रिया और दंडों से संबंधित भाग 11 में निम्न धारा जोड़ देनी चाहिए। नागरिकता के उल्लंघन का अपराध। जो भी व्यक्ति सभी वर्गों के लोगों पर लागू होने वाले कानून के कारणों के अतिरिक्त और छुआछूत को किसी पूर्व स्थिति का ख्याल किए बिना सरायों, शैक्षिक संस्थाओं, सड़कों, मार्गों, गलियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य जलधारक स्थानों, सार्वजनिक स्थल परिवहनों, जल परिवहनों या वायु परिवहनों, रंगशालाओं यानी थिएटर या सार्वजनिक विश्राम स्थलों के आवास, लाभ, सुविधा और सहूलियत के पूर्ण उपभोग से मना करता है, उसे इनमें से किसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा अथवा कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, और उसे जुर्माना भी अदा करना होगा। भले ही ऐसे स्थान आम जनता के लिए समर्पित, उनके द्वारा घोषित या इसके लिए लाइसेंस पर दिए गए हों। ब, दलित वर्गों द्वारा उनके अधिकारों के शांतिपूर्ण उपभोग के मार्ग में पुराने ख्यालों के व्यक्तियों द्वारा बाधा डालना ही एकमात्र खतरा नहीं है। बाधा डालने का सबसे ज्यादा आम रूप सामाजिक बहिष्कार है। दलित वर्गों द्वारा किसी भी क्रियाकलाप के प्रयास, यदि वह रूढ़िवादियों को पसंद नहीं आता है, को नाकाम करने का रूढ़िवादियों के पास सामाजिक बहिष्कार का एक सशक्त हथियार है। जिस तरह यह बहिष्कार काम करता है और जिस अवसरों पर इसको लागू किया जाता है, इनका विवरण मुंबई सरकार द्वारा नियुक्त समिति की 1926 की रिपोर्ट में अच्छी तरह दिया गया है, जिसे मुंबई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों तथा आदिम जनजातियों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच और उनके उत्थान के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार। यद्यपि हमने विभिन्न प्रकार की सिफारिशें की हैं जिससे दलित वर्गों को सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का उपभोग करने के अधिकार मिल सकते हैं, फिर भी हमें डर है कि इन अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें काफी समय तक कठिनाइयां आएंगी। पहली कठिनाई तो रूढ़िवादी समुदाय द्वारा उनके विरुद्ध खुली हिंसा करने का डर है। यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक गांव में
दलित समुदाय अल्पसंख्यक हैं और रूढ़िवादी लोग बहुसंख्यक हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने हितों और प्रतिष्ठा को दलित के किसी भी काल्पनिक आक्रमण से बचाने पर कटिबद्ध रहते हैं। पुलिस के द्वारा अभियोजन के कानूनी खतरे से रूढ़िवादी समुदाय द्वारा हिंसक प्रयोग पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, जिससे ऐसे मामले कुछ कम हुए हैं। दूसरी कठिनाई उस आर्थिक स्थिति से उत्पन्न होती है जिसमें दलित वर्ग आज विद्यमान है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में दलित वर्ग के पास किसी प्रकार की आत्मनिर्भरता नहीं है। कुछ लोग स्वयं ही रूढ़िवादी से जमीन लेकर उनके काश्तकार के रूप में खेती करते हैं। कुछ रूढ़िवादियों द्वारा दिए गए अनाज से गुजारा करते हैं, जो गांव के सेवकों के रूप में की गई सेवा के बदले में प्राप्त करते हैं। हमने ऐसे बहुत से उदाहरण सुने हैं जहां रूढ़िवादियों ने अपनी आर्थिक शक्ति को उस समय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जब दलित समुदाय ने गांव में अपने अधिकारों का उपयोग करने का साहस किया है। जमीन से बेदखल कर दिया गया, उनकी पारंपरिक सेवा समाप्त कर दी गई और गांव के सेवक के रूप में उन्हें दी जाने वाली धनराशि रोक दी गई। यह बहिष्कार इतने व्यापक पैमाने पर नियोजित किया जाता है कि आम रास्तों पर दलितों को चलने से रोकना तथा जीवन की बुनियादी जरूरतों की चीज़ों को दलित को न बेचना तक इस बहिष्कार में जोड़ लिया जाता है। कभी-कभी छोटे और तुच्छ कारण भी दलितों के विरुद्ध बहिष्कार की घोषणा करने के लिए प्रभावशाली अथवा पर्याप्त कारण बना दिए जाते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब दलित जातियां सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का अपना अधिकार इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जब कठोर बहिष्कार सिर्फ इसलिए घोषित कर दिया गया क्योंकि दलितों के किसी व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया या दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव के सार्वजनिक मार्गों से बारात घुमाई। सामाजिक बहिष्कार के इस हथियार से ज़्यादा और कोई दूसरा घातक एवं प्रभावशाली हथियार हम नहीं जानते हैं जिसे दलित वर्गों के दमन के लिए खोजा जा सके। इसके सामने तो खुली हिंसा का तरीका भी फीका पड़ जाता है क्योंकि इसके प्रभाव दूरगामी और भयानक हैं। यह ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके पास संविदा की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप कानून सम्मत तरीका भी है। हम इससे सहमत हैं कि यह दलित वर्गों को उनके उत्थान के लिए आवश्यक अभिव्यक्ति एवं क्रियाकलाप की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को कठोरता से कुचलना होगा। दलित वर्गों की राय में उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के इस प्रकार के खतरों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता यह है कि सामाजिक बहिष्कार को कानून द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया जाए। इसलिए यह जोर देने के लिए बाध्य है कि निम्न धारा को अपराध प्रक्रिया एवं दंडों से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग 11 में जोड़ दिया जाए। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में बहिष्कार के अपराध की परिभाषा, बहिष्कार करने का अपराध तथा बहिष्कार को उकसाने या बढ़ावा देने का अपराध के बारे में हम लोग जानेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमो बुद्धाय। जय भीम।